आज हम लोगों के बीच में अमित परिवार के चमकते सितारे एवं भारतीय रेलवे में लोको पायलट राजकुमार यादव जी उपस्थित हैं बेटा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से अपने संघर्ष की गाथा, अपने संघर्ष की उड़ान को कैसे आपने तय किया और आज कैसे लोको पायलट के मुकाम को हासिल किया, ये शेयर करें आप लोगों से। राजकुमार, मैं राजकुमार यादव, सहायक लोको पायलट पद पर कार्यरत हूँ, फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश में आप लोको पायलट के पद पर कार्यरत। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हैदरगंज रामपुर प्रताप मूल निवासी हैं, होमटाउन होम डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद अयोध्या है, उत्तर प्रदेश। हाँ, जो तेज बोलिए बेटा। 2012 में ITI कंप्लीट करने के बाद हम अमित परिवार से जुड़े। 2014 में आरआरबी अहमदाबाद वैकेंसी आई, वहाँ से हुए। 2.5 साल मध्य प्रदेश रतलाम में हम कार्य किए, वहाँ से ट्रांसफर लेकर के NER गोंडा में 6 महीने, फिर वहाँ से ट्रांसफर लिए 2.5 साल सुल्तानपुर में, अभी वहाँ से ट्रांसफर लेकर अयोध्या फैजाबाद में कार्यरत हैं, सहायक लोको पायलट पद पर। जब हम फैजाबाद आए थे 2009 में तैयारी करने के लिए, तो सबसे पहले हम जो है क्रिकेट की क्लास ज्वाइन किए थे स्पोर्ट कॉलेज, वहाँ अंडर 19 में सिलेक्शन नहीं हुआ। आप लोग जानते होंगे कि जो है सबसे ज़्यादा समस्या क्या है, पॉलिटिक्स और जातीय समस्या ज्यादा, इसके चलते हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर राजन भैया से मिले, जो हमारे हमेशा सुखदुख में खड़े रहते हैं हमारे साथ, अपने साथ 2008 से, चाहे जहाँ फोन करें वहाँ आते हैं। और अमित परिवार के बारे में बताया, तो अमित परिवार में हम कोचिंग शुरू किए, जय गणेश में जाते थे शाम के टाइम, ज़्यादातर मॉर्निंग में जाते थे, जब मॉर्निंग नहीं जा पाते थे तो शाम में जाते थे। तो सर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जैसे हम आज यहाँ खड़े हैं, जब हम आप लोग तरह वहाँ बैठते थे, जब कोई आता था सिलेक्शन लेकर के यहाँ बोलता था, उस बात को ध्यान में रखते हुए और सर के मोटिवेशन से जो है हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। हम एक जो है बहुत नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारे पिताजी जो है उस समय एक फार्म की दुकान थी घर पे और कुछ नहीं, उसी से खर्चा चलता था। जब हम यहाँ पढ़ते थे साल डेढ़ साल सर पिताजी से खाली खर्चा लिए थे, उसके बाद भैया के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से जो है हम होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। यहाँ से क्लास करने के बाद जाते थे, खाना बनाते थे, खाना बनाने के बाद फिर पढ़ते थे, उसके बाद 3 बजे निकल जाते थे होम ट्यूशन पढ़ाने, रात में 9 बजे वापस आते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, उसके बाद रात में खाना वाना बना के रात। हमको जो है सबसे ज़्यादा मैथ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अगर आप 0.5 लिख देते और हमसे बोल देते कि पॉइंट हटाना है कैसे हटेगा, हमको पता नहीं था, मतलब इतना वीक थे कंपटीशन में। जब हम शुरू किए लगा कि बिना मैथ के सिलेक्शन नहीं होगा, तो ओनली हम सिर्फ 6 मंथ जो मैथ ही पढ़े, तो जाके जो 70% हमारा पूरा हुआ मैथ। तो इस 2014 में जो वैकेंसी आई, हम वहाँ RRB अहमदाबाद में बैठे, उस समय 4 जगह से आया था हमारा लेटर, इलाहाबाद सिलेक्शन हुआ था और वहाँ से हुआ था अहमदाबाद से। 2016 में हमारे पास 3 जॉब थी, नेपाल में हुआ था और बिजली विभाग में सबसे हुआ था और ये रेल का था। तो सबसे समझे तो पापा बोले वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, उसको आप ज्वाइन करें, हम RRB अहमदाबाद ज्वाइन कर लिए। उसके बाद 2016 में हमारी जून 24/6/2016 रतलाम मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग हुई अहमदाबाद RRB से। आप लोगों से सिर्फ एक निवेदन है, अभी जिस स्टेज पे आप लोग हैं, इसमें बहुत सारी निगेटिव नकारात्मक सोच आती है कि कैसे क्या करना है, क्या करेंगे,
मतलब पैर खींचने वाले बहुत लोग होंगे, बहुत सारी सिंगिंग है, हम आपकी तरह हम भी थे कभी ऐसे, तो पॉजिटिव ज्यादा ना सोच के निगेटिव तरफ ज्यादा भागते थे। तो हर रास्ते से दो रास्ता है, सिर्फ आपको वो रास्ता चुनना है जो आपको 3 साल अच्छे से मेहनत करनी है, उसके बाद आपका 60 से 70 साल जो भी जीवन है वो सबसे ज्यादा ऐसो आराम से कटेगा। ये 3 साल 4 साल अगर आप अपना अच्छे से मेहनत करके गेन कर लेते हैं, और थिंकिंग गलत थिंकिंग जो है उसको छोड़ करके आज आप अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो 100% ये हमारी गारंटी है, कोई आपको रोक नहीं सकता है सिलेक्शन देने से। कितने लोग कम जुड़े हैं, हमारा बैच था बहुत लंबा बैच था, जैसे जो पढ़ते थे डिस्कस करते थे 30-40 लड़के लड़कियां मिला के सब थे, कोई ऐसा आज बेरोजगार नहीं है, सभी कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में लगे हैं। इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है हमारा कि आप लोग अच्छे से पढ़े, जितना अच्छे से अच्छा बेहतर कर सके हो, हर एक आने वाले कल अच्छे से शुरुआत करें नए तरीके से। 2022 में आप लोग अपने आप में एक संकल्प लें कि हमको ये काम करना है। सबसे बड़ी बात है माँ बाप का और गुरु जी के आशीर्वाद से कभी भी उस चीज को आप ठेस ना पहुंचाएं, उनके आशीर्वाद से अच्छे से मेहनत करें, आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है आजकल आप जिस स्टेज में हैं, बच्चे झूठ ज्यादा बोलते हैं, वो भाई साहब हैं उनके साथ हमारा छोटा भाई आप है ना, ये येलो कलर के पहने हैं रवि, आप रवि रवि साहब रहते हो ना, चलिए हो गया। तो आप लोग अच्छे सोच के साथ पढ़िए, हमारी यही और गुरु जी की मनोकामना है, आशीर्वाद है, और 2022 नए साल के आप लोग को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। ये भैया राजकुमार यादव जी हैं, भारतीय रेलवे में लोको पायलट हैं। ये जो बता रहे हैं बेटा कि हम लोगों का 40 का ग्रुप था, 40-45 का जो भी बता रहे हैं, वो सारे चयनित हो गए, गवर्नमेंट जॉब में आ गए। तो 40-45 का इनकी जो फ्रेंड सर्किल थी या जिससे ज्यादा साथ में एग्जाम देने जाना या एक साथ आना जाना वो था, बकिया सिलेक्शन तो अमित परिवार से एक एक रेलवे भर्ती बोर्ड में 100, 150, 250 ऐसे रीटे निकल गए। तब जाके फाइनल सिलेक्शन में मालूम हुआ कि 100 लड़के जा रहे हैं, 75 लड़के जा रहे हैं, 80 लड़के जा रहे हैं, लेकिन रिटेन ऐसे बच्चों का निकलता था। लोगों को शंका होती थी कि हाँ कोई सेटिंग है क्या। हाँ, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अमित परिवार से या जो गार्जियन नहीं जुड़े हुए हैं वो तो यही जानते थे कि इतने बच्चों का कहाँ से रिटेन निकल जाए। हाँ, और आज भी अभी राजकुमार जी बता रहे हैं कि पूछते हैं कि बताओ कैसे नौकरी लग गई। तो जब आप संघर्ष करोगे बेटा, जब आप मेहनत करोगे, अपने लक्ष्य को सामने रख कर और अपने को तैयार करोगे तो हर लक्ष्य बौना हो जाता है, हर लक्ष्य छोटा हो जाता है। तो आज हम यही आप लोगों से कहेंगे कि इस नए वर्ष के अवसर पर आप लोग अपने मन में एक प्रतिज्ञा लें, किसी से कहने की जरूरत नहीं, किसी और से कसम खाने की जरूरत नहीं, स्वयं से एक प्रतिज्ञा लीजिए कि हमें 2022 में अच्छा प्रदर्शन करना है, और अगर वैकेंसी आती है तो हमें उसमें से एक पद अवश्य ले लेना है, इस बात का संकल्प करें। तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही राजकुमार जी को भी ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों। अभी आपको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और अमित परिवार का आप नाम ऐसे ही रोशन करते रहें, ढेर सारी शुभकामनाएं। बैठिए।